देखो बाबा गोस्वामी श्री रामचरित मानस में एक चौपाई लिखते हैं, बाबा जी ने गाया है, पुत्रवती युवती चकसोई, कहलाने की अधिकारिणी है, वही माताएं पुत्रवती कहलाने के योग्य है। कौन? जिनके बच्चे, जिनके पुत्र और पुत्रियां हमारे श्री रघुनाथ जी के चरणों के दास हैं, वही माता पुत्रवती है। तो ऐसे माता पिता को मेरा मेरी व्यास पीठ से प्रणाम है, जिन्होंने अपने बच्चों को श्री बांके बिहारी की भक्ति से जोड़ा, और आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से बांके बिहारी की भक्ति से जोड़ना, और यह क्रम नित्य निरंतर चलता रहे, आप इसका प्रयास करें। एक बार भाव से कहें जय बिहारी जी की जय। श्री बांके बिहारी जी ने बड़ी कृपा करके हम सबको मानव बनाया, मनुष्य बनाया। और मानव बनाया बहुत अच्छा वाला बनाया कि हमें दोनों आंखें भी दी, हमें कान भी दिए, हमें हाथ भी दिए, हमें पैर भी, हमें सब कुछ दिया। और इतना सब देने के बाद समय समय पर ठाकुर जी हमें अपनी हरि कथा भी सुनवा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके ऊपर श्री हरि की कितनी कृपा है। विचार करो कि अगर आज हम किसी पशु शरीर में होते तो क्या यहां बैठकर कथा कह पाते, क्या यहां बैठकर कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। भगवान की बड़ी कृपा हुई, बड़े भाग्य मां नुसतन पावा, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की कि हमें मनुष्य बनाया। और मनुष्य बनाने का एक कारण है, ऐसे ही नहीं बनाया। भगवान ने कहा तुम्हें मैं मनुष्य बनाता हूँ, तुम्हें मनुष्य योनि प्रदान करता हूँ, और तुम इस मनुष्य योनि से, इस मानव योनि से मुझे प्राप्त करना। लेकिन अब हरि की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी बलवान है। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं माया में बंध जाते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और भगवान को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं।